अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, कल वाला व्लॉग हमने जहाँ से ख़त्म किया था तो ये उसके बाद का है, और कल हमने ये क्लिप इसलिए नहीं लगाई थी ताकि कल वाला व्लॉग जो है फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने ये क्लिप उसमें ऐड नहीं की थी। तो ये हमने उसके बाद से शुरू किया है। तो यहाँ पर ना ये देखिए, हमने ये जर्मन का डिब्बा जो है वो धुल के रखा था, हमें ये रखने थे उसमें बटर, तो बस उसे ही हम जो है अभी पानी उसका खुश्क कर रहे थे और ये बटर का पैकेट हमने इसमें रख दिया है। मैं आपको बता रही थी कि जाने से पहले जो है मम्मी के घर जाने से पहले मैंने सफाई वफाई निकाली थी, आपके साथ शेयर भी की थी ना, तो अभी फ़िलहाल तो ये ऐसे ही चुटुट पुटुट सब इधर सामान वामान जो है रख दिया है हमने, मतलब हमने नहीं रखा है, बाबू के अबू थे ना घर पे तो बस उन्होंने इधर उधर रखा है। तो ना ये जो हमें लगानी थी यहाँ पर इधर दोनों साइड पे शीट, वो सब भी जो है हमारा अभी मतलब लगाना नहीं हुआ था क्योंकि मैं चले गई थी अचानक से, तो बस अब देखते हैं ये भी कब लगेगा। और ये देखिए इस तरह भी किया है तो इधर ही इसको रख दिया है। और ये ना मतलब ऐसा कोई थोड़ा सा भी जगह हो ना तो सामान ना खुद ब खुद पता नहीं क्यों उस जगह में आ जाता है। आपने देखा ही होगा ना कि जाने के मतलब एक दिन पहले मेरी सफाई वफाई चालू थी, वो दिन भी जो है मैं सफाई कर रही थी रात में, कुछ सुबह मतलब जैसा टाइम मिल रहा था वैसा उस हिसाब से बाबू के चक्कर में, तो ऐसा। तो चलिए ये जो थोड़ा बहुत सामान ये तो उठा के रखते वरना फिर और बढ़ जाएगा। पानी पिए तो गिलास इधर ही रख दिया, नाजुरा ने जो है देखे ब्रश किया इधर ही ब्रश रख दिया, तो ये ना ऐसे ही जो है सामान चलता रहता है। और ये है टोपी बाबू की, ये है हमारा कवर, तकिए का कवर है, ये भी इसमें रखने का है। और ये देखे नाजुरा मैडम के खेलने की ये है लकड़ी, मैडम मैडम खेलते ना तो लकड़ी मारने के लिए बच्चों को, नकली बच्चों को, तो बस मैं ये सामान उठा लेती हूँ और देखते हैं अभी कब लगेगा। ये भी एक काम जो है हमारा रुक गया था, एक हाथ से उठ के नहीं रही वजनदार, तो इसको ना मैं यहाँ पर ऊपर रखती हूँ, यहाँ पर आ जाती है आराम से। और मॉइस्चराइजर यहाँ रखेंगे। और वो दिन देखा था ना आप लोग ने, मैंने इधर का भी जो है पूरा सामान हटा के इसको अच्छे से सफाई करके सेट कर दिया था, तो ये देखा ये वापस से इधर सामान वामन जो है कुछ ना कुछ रख दिया है, ये भी ठीक कर लेंगे। और ये देखिए ये है मेरा शादी वाले लाचे का दुपट्टा, रानी कलर पे गोल्डन कलर की जो लेस लगी है, लाचा भी अभी इधर ही रखा है, फिर किसी दिन बताऊंगी या तो कल वल बताऊंगी आराम से। अब ये सामने दिखा दुपट्टा तो मैंने सोचा चले बता देती हूँ आपको, तो ये मेरा शादी का दुपट्टा है, बहुत प्यारा था ये, अभी भी है वैसे माशाल्लाह से कलर, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। तो ये देखो अभी ना मेरा दिल हुआ कि मैं इसको ओढ़ के देखती हूँ, उस पे लेस लगी हुई थी। और शादी की ना कोई भी चीज़ हो निकाले ना हम तो ओढ़ने का दिल करता ही है, कपड़े हो तो पहनने का मन होता है। तो बस अभी ना हम यही ओढ़ के देख लेते दुपट्टा। तो घर का ही था ये, मतलब सिया हुआ था, रेडीमेड नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था ये, लेकिन शादी का कोई भी सामान हो, महंगा हो या सस्ता हो,
हमें तो कीमती होता है। और शादी की चीज़ें देखो ना तो शादी का दिन याद आ जाता है। तो खैर दिखा सामने तो मैंने बता दिया आपको, 6:30 हो गए, हस्बैंड बच्चे अभी तक नहीं उठे, हस्बैंड और बाबू, एक बच्ची तो मदरसा चले गई और हम इधर टाइम पास कर रहे हैं। मतलब काम इतना ज़्यादा है हमें, लेकिन बस रुके हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि उधर का लाइट वाइट जो है बंद है, और लाइट चालू करेंगे तो बाबू उठ जाएंगे, और कच्ची नींद में से उठेंगे तो बाबू रोएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है न्याज, जो अभी न्याज, हाँ न्याज, तो ये ना अभी मम्मी लाए हैं, और अभी मैं यहाँ पर बैठ के एक जो आपके साथ कल व्लॉग शेयर किया था उसकी एडिटिंग कर रही थी, और बस 3 बार जो है मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, पहले आए पूछने के लिए लाओ, फिर पिलट लेके गए, फिर लाए, फिर और आए पूछने के लिए कि बाबू के अबू कहाँ है। तो उस चक्कर में मैं इतना मतलब डर डर के जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला मैंने, तो क्योंकि ना बाबू सोते हैं तो उस टाइम पे दरवाज़ा कोई भी ठकठकाए ना तो तुरंत उठ जाते हैं, तो मैंने सोचा अभी मैं कब से वेट कर रही हूँ कि ये लोग उठ जाए उठ जाए, तो ये उठे नहीं है। और अभी मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ही जो है शेयर कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, तो उस टाइम पे कहीं ये उठ ना जाए, तो ऐसा। तो ये देखें ये है न्याज, जैसा कि आप सब जानते हैं 11वीं का महीना है, न्याज लंगर वगैरह होते रहते हैं, तो ये फुप्पू सास के वहाँ बनी होंगी ना, तो बस वो ला के दिए है। मेरे क्या है तुमको सोचते बाप रे बाप रे, अब तो जी यहाँ पर देखिए अभी हमारी बन रही है शाम की चाय, और अभी टाइम हो रहा था, ईशा की अज़ान हो रही थी अभी इस टाइम पे, तो नाजुरा आ गए थे अपने मदरसे से, और उनके लिए हमने बनाई थी मैगी, क्योंकि उनको मैगी खाना था, और उसके बाद हमारी यहाँ पर बन रही थी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।